या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 461। संडे 6th of August, year 2000, मैं वाजिन बेतुल खलाल मजलिस एट न्यूयॉर्क जमात खाना, प्रिंसिपल जमात खाना। याली मदद, बहुत बरसों के बाद मैं आपकी मुलाकात आज पा सकता हूँ। मौला का शुक्र गुजार हूँ और आपके लिए दुआएं मांगता हूँ कि हमेशा दीन और दुनिया में आबाद रहो। अपनो आप पिछाणो हरे मोमनो तमे साहेब नाम ध्यावो पंजवारं तबान वरजी ने लियो दिल इल्लल्लाह सो लावो। मौला ने हज़रत इमाम पे सलवात व सलाम मोमिनो अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आल मुहम्मद अकरामा, यानी मोहम्मद पे और मोहम्मद के आल पे हम दुरूद जो पढ़ते हैं तो कयामत तक चले। जिंदा रहो। इस वक्त बैतुल ख्याल की मजलिस है, अगर चाहे छोटे छोटे बच्चे भी बहुत हैं। ये सीरियस मैटर, बातूनी चीजें, इंसान की हकीकत की दर्जे की जो बातें हैं, शायद सब न भी समझ सके, लेकिन मैं आज जरूर कुछ आपके सामने कहना चाहता हूं। इस्लाम के अंदर 73 फिरके हैं। हमारे सिवा बाकी जो 72 फिरके हैं उनके पास इमाम नहीं। इन 72 फिरकों के अंदर जो मेजर फिरके हैं, हम सबको पता है, सुन्नी हैं, अहले सुन्नत वल जमात, और शिया हैं, जिसमें इस्नाशरी शिया बहुत हैं। मैं इस बात के लिए नहीं कहना चाहता कि सुन्नी कितने हैं, मुझे मालूम भी नहीं, और शिया कितने हैं, लेकिन सुन्नी मेजॉरिटी में हैं। नबी करीम से इस्लाम जाहिर हुआ और हम लोग सब नहीं तो आप में से जो पढ़े लिखे हैं उनको इस बात का पता है कि हर नबी का दीन इस्लाम था। यह नहीं कि रसूलुल्लाह इस्लाम लाए, रसूलुल्लाह इस्लाम की आखिरी इंस्टॉलमेंट लेके आए। इस्लाम शुरू हुआ जब खुदा ताला ने दुनिया के अंदर इंसानों को पैदा किया। हकीकत अगर और बयान करूं तो खुदा ताला की जो खलकत है, कायनात है, क्रिएशन है, वो सब इस्लाम पर है। और अल्लाह ने कहा भी है कि चरंद परंद दरख्त हवा पानी चांद सूरज ये सब खुदा ताला की ताबेदारी में है। और इस्लाम का मतलब यही है, सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, खुदा ताला की मर्जी के हिसाब से अपने आप को सुपुर्द कर देना, ये इस्लाम है। और इसलिए कायनात में जो कुछ भी चीजें हैं वो खुदा के हुक्म के बंदों की तरह खुदा ताला का दिया हुआ फर्ज पूरा कर रहे हैं, वो मुसलमान हैं। इस्लाम रसूलुल्लाह के हाथ पर मुकम्मल हुआ और इस्लाम जो है वो खुदा ताला की मोहब्बत से पैदा होता है। अपने आप को खुदा ताला को सुपुर्द कर देना, ये सही तरीका है। और इसलिए
अगर हम हिस्ट्री देखें नबी जमाने के अंदर, उस वक्त वो लोग के जो रसूलुल्लाह की रसालत से पहले थे, उनमें कोई मजहब नहीं था, कोई लॉ नहीं था, तमद्दुन नहीं था, तहजीब नहीं थी, कल्चर वगैरह कोई चीज नहीं थी। रसूलुल्लाह ने उनको रहवास्त पर लाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज 1400 साल हुए, इस्लाम बढ़ता चला जाता है और अल्लाह का एक वादा है कि एक दिन आएगा सारी दुनिया इस्लाम को कबूल करेगी। मैं आज सुबह भी एडिसन आज सुबह मैंने एडिसन में वॉइस की, वहां भी मैंने ये जिक्र किया है कि नबी के जमाने के अंदर नबी के रसालत से पहले की जो हालत थी उसमें फर्क पड़ गया, तो कुछ सीरियस लोग नबी के हुजूर में गए और कहने लगे, या नबी आपने कहा नमाज पढ़ो, हमने नमाज पढ़ी, आपने कहा रोजे रखो, हमने रोजे रखे, आपने कहा हज पे जाओ, हमने हज किया, आपने जो कुछ फरमाया हमने किया, या नबी क्या इस्लाम यही खत्म होता है या इसके अलावा और भी कुछ है? तो नबी कहने लगे और भी कुछ है। तब और भी कुछ है, मौलाना हज़रत इमाम का एक फरमान है कि आम मुसलमान नमाज पढ़ लेते हैं, समझते हैं कि बस हमने अपना दीन पूरा कर लिया, नहीं होता, दीन बहुत सी चीजें हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि नमाज बेहयाई और खराब कामों से तुम्हें बचाती है। तो मैं मुसलमान मुल्कों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुल्क मैंने देखे हैं इस्लाम के मुसलमानों के, जहां मुसलमान हुकूमतें हैं, लोग नमाज भी पढ़ते हैं, और इन्हीं मुल्कों के अंदर चोरियां होती हैं, डकैती होती है, कत्ल होते हैं, सब तरह की बदियां बुराइयां इन मुसलमानों के मुल्कों में बहुत है। तो नमाज तो पढ़ते हैं, तो फिर ये बेहयाई के काम, बदमाशी के काम क्यों खत्म नहीं होते? अल्लाह झूठा नहीं है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ताला जो है वो मालिक है, सच्चा है, सादिक है, अल्लाह का कहा हक है। कि शमस माँ बाप मन समझाने उनकी एक किताब है 500 पेज की, लेकिन 99 पेज ऐसे खराब हो गए कि प्रिंट ना हो सके, तो 401 पेज की ये किताब अब तो मिलती नहीं है, मगर है, छत लाइब्रेरियों वगैरह में हो, मेरे पास है, सिंधी प्रेस में से छपी हुई। शमस मिशन के ऊपर पांव से जाया करते थे, एक छोटे से गांव में पहुंचे, मस्जिद देखी, मस्जिद में जाके बैठ गए, कलंदरी रूप था और टोपी पहनते थे, तो टोपी के लेफ्ट साइड में अपने मोर का एक पर भी लगाया हुआ था और बड़े जाहो जलाल वाले थे। मस्जिद में जाके बैठ गए, थोड़ी देर हुई तो अजान हुई दोपहर की नमाज की। पिशमस खुद ये कहानी बयान कर रहे हैं, बस लोग चले आए, जमात खड़ी हुई, मुल्ला ने इमामत की, नमाज शुरू हुई, पिशमस भी साथ नमाज में शामिल हुए। नमाज की जो पहली रकात है, आपको तो पता है, अलहम्द की सूरत के बाद कुछ कुरान की तिलावत की जाती है, रुकू करते हुए फिर सजदा करते हैं। जब ये रुकू में गए जमात सारी, तो हजरत पिशमस नमाज छोड़ के कोने में जाके बैठ गए। कुछ लोगों ने देखा भी, सारी नमाज में शामिल ना हुए, बैठे रहे। जब ये नमाज पूरी हुई तो कुछ लोग ऐसे थे, बिगड़ गए, कहते कैसी जात का, कैसा तुम फकीर है,
क्यों? अधूरी नमाज छोड़ के चले गए? आपने बड़ी तहम्मुल से कहा, मुल्ला ने जितनी नमाज पढ़ाई मैंने पढ़ी। मुल्ला ने? तू तो बीच में चला गया, रुकू के अंदर पहले ही रकात में चला गया। मैंने तुमको कहा मुल्ला ने जितनी नमाज पढ़ाई मैंने पढ़ी। इतनी देर में मुल्ला साहब भी आ गए और आपने जब ये अल्फाज दोहराए तो मुल्ला भी हंसने लगा। लोगों को कहता है पागल है छोड़ दो। हुजूर ने फरमाया पागल नहीं, रकात तक तुम बराबर नमाज पढ़ा रहे थे, लेकिन रकात के अंदर तुम्हें ख्याल आया कि तेरी गाय का बछड़ा खुला रह गया है, वो सारा दूध पी जाएगा, आज मुझे दूध नहीं मिलेगा। तो लोग मुल्ला को देखने लगे, मुल्ला हक्का बक्का रह गया। एक दो लोग भागे के देख के जावे सच बात है, तो मुल्ला के घर पे गए तो सचमुच बछड़ा दूध पी रहा था। मुल्ला आपके पांव पे गिर गया, सारे गांव वाले सब मुसलमान ही थे, हुजूर के पांव पे गिरे। पिछले मुसलमान कुछ दिन ठहरे, उनको हकीकत बयान की। खड़े होना कयाम में, रुकू करना, सज्दे में जाना, ये कोई नमाज नहीं। नमाज ये है कि दिल से पढ़ी जाए। हमारी दुआ है वो भी ऐसा ही है। दुआ के अंदर हमारी छह रकातें हैं, इनके अंदर अगर हमारा ध्यान लगता है तो वल्लाह बड़ा मजा आता है। और हर लफ्ज अगर हम समझते हैं तो खुदा की तारीफ होती है, हम उसके पास अज्ज़ो इंकसारी करते हैं, मांगते हैं, गुनाह की बख्शिश मांगते हैं। हमारी दुआ के अंदर बड़े बड़े भेद हैं। हमारे अलवाइज कमालुद्दीन ने दुआ की फिलॉसफी के ऊपर जो वाजें की हुई हैं बड़ी अच्छी हैं, और इनको सुनना चाहिए और जानना चाहिए। हमको अपना मजहब जानना चाहिए, मगर अफसोस ये है कि आज नॉर्थ अमेरिका में तकरीबन 1 लाख इस्माइली है। इंडिया पाकिस्तान से हम लोग आए हैं, यहां आए हैं, अफ्रीका से आए हैं। हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन बढ़ती जाती है, लेकिन आज भी मैं अपनी जमात के ऊपर मोहब्बत रखता हूं। मेरी जमात है और हम सब इमाम के गुलाम हैं, हमने बैत की है। लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि मेरी जमात के अंदर, मेरी जमात वालों के अंदर इल्म की बड़ी खामी है, और खासतौर पर मजहबी इल्म की बड़ी खामी है। मैं आजकल वाजों के अंदर रिपीट करके ये कहा करता हूं कि हमें अपने मजहब का इल्म सीखना चाहिए। हमें कोई भी मुसलमान कहता है तुम मुसलमान नहीं हो, तो हम लोग चुप हो जाते हैं। हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि हम मुसलमान को, खसूस तौर पे हम अपने सुन्नी भाइयों को जो हमको समझ नहीं सकते, नहीं जान सकते कि हमारा इतिकाद या हमारा तरीका क्या है, और हमको कह देते हैं तुम लोग मुसलमान नहीं। भाई क्यों? तुम लोग नमाज नहीं पढ़ते। हमारे पास कोई जवाब है? हम चुप होके चले आते हैं। ऐसी बहुत से किस्म के जो पब्लिक सवाल होते हैं, खासतौर पर गैर मुसलमानों के नजर में हम फिर गिर जाते हैं अगर हम अपने मजहब को डिफेंड नहीं कर सकते। तो हमें अपने मजहब को जानना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो तरीका है ये शरीयत से ऊंचा है। देखो शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत इस्लाम के इल्म के, दीन के चार तरीके तबकात हैं। आम जो मुसलमान हैं उनके साथ हम भी शामिल हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम ये कलमा पढ़ते हैं और शहादत भी देते हैं कि अशहदु अन्न ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिल्कुल सच बात है, ये शरीयत है और ये प्रॉमिस होना चाहिए, अपनी डिक्लेरेशन ऑफ ईमान होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे पास, जैसा मैंने अभी आपको जिक्र किया, रसूल के पास लोग कुछ जाके कहते थे या नबी ये नमाज रोजे हज के अलावा और भी कुछ है? हुजूर फरमाते हैं है। या नबी वो क्या है? हुजूर कहते हैं रात की 12 बजे, आधी रात को, 12 बजे का नाम तो नहीं,
लेकिन आधी रात के बाद उठो और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह को याद करो। ये बुनियाद थी हमारे बैतुल ख्याल की। ये बैतुल ख्याल रसूलुल्लाह के वक्त से चालू नहीं हुआ, उसके भी पहले था। जैसा इस्लाम नबी के पहले भी था, उसका नाम इस्लाम नहीं था, अरबी नाम, लेकिन खुदा को याद करने वाले थे, दुनिया से दिल को हटा के अल्लाह के साथ बांधने वाले थे। रसूलुल्लाह से 600 बरस पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना था। आप किसी पादरी को, आपका कोई दोस्त वगैरह ऐसा क्रिश्चियन मिशनरी हो गए, आप उसको पूछो कि बाइबल के हिसाब से हमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की 12 बरस की उम्र से लेके 18 साल यानी 30 बरस की उम्र तक के हालात मिलते नहीं, तो ईसा अलैहिस्सलाम 12 बरस की उम्र से 30 बरस की उम्र तक कहां थे? आपको कोई जवाब नहीं देगा। खसूसी तौर पर जो कैथोलिक्स हैं वो इस चीज को खा जाते हैं। 12 साल की उम्र तक के हालात मिलते हैं और फिर यकायक 30 बरस की उम्र में जाहिर होते हैं और 3 बरस उनकी नबूवत का इजहार होता है। उसके बाद लोगों के हिसाब से सूली पे चढ़ के क्रॉस पे लगा दिया, लेकिन अल्लाह कहता है कि वो क्रॉस पे नहीं चढ़े। और हम मुसलमान मानते हैं कि नबी करीम भी फरमाते रहे हमको कि हजरत ईसा क्रॉस पे नहीं चढ़े। लेकिन 12 और 30 बरस की उम्र के दरमियान ईसा अलैहिस्सलाम कहां थे? वो जमाना यहया नबी का भी था, जिसको हम जॉन दी बैप्टिस्ट कहते हैं। और यहया नबी कुरान पाक में अल्लाह ने उसका बड़ा जिक्र किया है। यहया नबी का लकब पड़ गया रोते हुए नबी। यहया अलैहिस्सलाम खुदा की जुदाई को बहुत महसूस करते थे और हमेशा रोते रहते थे। एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम आके खुदा का पैगाम ले आए, यहया, अल्लाह कहता है तू क्यों रोता है? अगर तेरे को दोजख का डर है तो तू मेरा नबी है, दोजख तुझ पे हराम है, और अगर तेरे को जन्नत चाहिए तो जन्नत, तू मेरा नबी है, तेरे लिए खुली है। कि नहीं या नबी, या अल्लाह, मैं रोता हूं तेरी जुदाई में। तो फरमाया इंतजार कर। और हजरत नबी यहया अलैहिस्सलाम रोया करते थे। ये यहया थे जिन्होंने हजरत ईसा की नबूवत को जाहिर किया, डिक्लेयर किया। ये लोग बोलते हैं कि जॉर्डन रिवर के अंदर ले गए और ईसा अलैहिस्सलाम को वहां जॉर्डन के पानी से बैप्टाइज किया। एक्चुअली ये उनकी नबूवत को डिक्लेरेशन थी। एक नबी दूसरे नबी की डिक्लेरेशन किया करते हैं, जैसे रसूल अकरम ने मुर्तजा अली की डिक्लेरेशन की कि ये तुम्हारे बाद, मेरे बाद तुम्हारा ये मौला है। यहया नबी एक स्कूल चलाते थे। फलस्तीन की पहाड़ियों में, जो आमतौर पर बेरूत के नजदीक हैं, थोड़ी नॉर्थ में हैं, इन पहाड़ियों में उन जमानों में सूफियों का एक फिरका होता था। उसको अंग्रेजी के जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इनको एसिनीज का नाम दिया है। ये एसिनीज जो थे ये सूफी थे, दुनिया से हटके महज खुदा की इबादत करते थे और वहां का फल वगैरह खा लेते थे, गोश्त नहीं खाते थे। और ये वो लोग थे कि जो इसके भी पहले और लोगों की तरह जो अल्लाह के इश्क के अंदर और अल्लाह की मोहब्बत में रहते थे, ऊन के कपड़े पहनते थे, ठंडी में, सर्दी में ऊंट के कपड़े पहनते थे, गर्मी में भी ऊंट के कपड़े पहने रहते थे। इनके पास एक ही कपड़ा होता था, अमूमन चोखा पहनते थे। सर्दी में तो ठीक है, गर्म कपड़े होते थे, लेकिन जब गर्मी आती थी तो उनके कपड़े पसीने से तरबतर हो जाते थे, कई लोग बेहोश भी हो जाते थे। इन एसनीस के अंदर यहया नबी के जमाने की यह बात करता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम 12 बरस की उम्र में चले गए और वहां 18 साल रहे। 18 बरस में उन्होंने वहां इबादत की, इन सूफी लोगों के दरमियान रहे। और फिर जब अल्लाह ने
हुक्म किया कि अभी तुम अपनी नबूवत का इजहार करो तो 30 बरस की उम्र में बाहर आए। हालांकि नबी जन्म से थे, ईसा अलैहिस्सलाम 30 इयर्स की एज में इन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं खुदा का नबी हूं। लेकिन अगर हम अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं तो खुदा ताला तो ये कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जन्म से ही नबी थे। ये लफ्ज नहीं लिखे हुए कि ईसा पैदाइशी नबी थे, लेकिन अल्लाह ने किस तरह से इसका जिक्र किया है। अल्लाह कहता है जब ईसा पैदा हुए और जो जचगी का डिलीवरी का जो पेन था वो खत्म हुआ, आप तकरीबन 1 महीने के थे, तो अल्लाह कहता है हमने मरियम को कहा तू बाहर निकल। वो एक ऐसी जगह छुप के बैठी थी कि जहां और कोई था नहीं, अकेली थी और बच्चा पैदा हुआ। मरियम अलैहिस्सलाम की जब ये आखिरी वक्त आया डिलीवरी का तो हैकल में थी, जमात खाने में थी। उस जमाने का जो मजहबी घर था ना वहां थी, और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ रहती थी। तो अल्लाह ने कहा मरियम ये जमात खाना है, मस्जिद है, पाक जगह है, बाहर निकल, यहां तेरी डिलीवरी नहीं होगी। तो हुजूर बाहर निकल आई और दरख्तों की एक ऐसा झुंड जैसा था कि वहां साया भी था, हवा भी आती थी, और इस तरह का था कि मालूम होता था जैसे कोई एक रूम बन गया है। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम वहां जाके बैठ गई और थोड़े टाइम में हुजूर ईसा पैदा हुए। देखो कैसी अच्छी समझने की चीज है, मरियम की डिलीवरी का वक्त आया तो उसको अल्लाह ने घर से बाहर निकाला, और जब ही माता फातिमा को बिनते असद को अली मुर्तजा की डिलीवरी का टाइम आया तो अपने घर बुलाया उसको और खाने काबा की तरफ लेके गया, और खाने काबा में मुर्तजा जी की पैदाइश हुई। दो चीजों में तफावत है और ये चीजें हमें समझनी चाहिए। मैंने अभी आपको कहा हमें अपने मजहब का इलम जानना चाहिए, इसमें इतने मजे हैं, ऐसी चीजें हमें मिलती हैं कि जिसको हम हमारी अकल इस्तेमाल करती है, हम उसमें से मीन मेख निकालना चाहते हैं। तो मरियम अलैहिस्सलाम तकरीबन 1 महीने के बच्चे थे, ईसा को लेके बाहर आई। अल्लाह ने कहा है मरियम लोग तुझे पूछेंगे तो तू बिल्कुल बोलना मत। अल्लाह ने कहा है बोलने का रोजा रखो, मतलब कि बिल्कुल बोलो मत। जिस तरह हम खाने का रोजा रखते हैं यानी हम नहीं खाते, इस तरह से बोलने का रोजा है। अब इसमें एक बड़ा अच्छा इशारा है, वो लोग जो इबादत करते हैं, वो लोग जो सूफी टाइप के हैं, वो लोग के जिनको अपनी रूहानियत का ख्याल है, वो कम बोलते हैं। मौलाना इमाम सुल्तान महमूद शहदादार की बैतुल ख्याल के फरमानों की जो किताब है 60-70 वर्ष पहले निकली थी, बटन वाली किताब, उसमें पहले या दूसरे फरमान के अंदर मौला कहते हैं कि कम बोलो, ज्यादा बोलने से रूह कमजोर होती है। हमारे गिनानों में हमारे इमामों ने और रसूल अकरम ने अपनी हदीसों के अंदर ऐसे बहुत सी बातें हमें कही है कि गिबत न करो, किसी की गैर हाजिरी में उसकी बदगोई न करो, उसको बुरा मत बोलो, और ज्यादा बक बक भी ना करो, रसूल कहते हैं। क्योंकि मोहम्मद मुस्तफा रसूलुल्लाह की औलाद में से 48वें इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह कहते हैं बहुत बोलने से रूह कमजोर होती है, दिमाग कमजोर होता है। अल्लाह ने कहा है मरियम बोलना मत, ये बच्चा जवाब देगा। मरियम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम को हाथ गोद में लिए हुए उठाए हुए चली आती हैं। लोगों ने कहा हे मरियम तेरे माँ बाप तो बहुत अच्छे हैं, ये तूने क्या किया, यानी खाविंद के बगैर तूने बच्चा जना। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मरियम बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला के बहुत अच्छे फरमान हैं। मरियम अलैहिस्सलाम पाक थी, किसी इंसान ने कभी उनको हाथ नहीं लगाया, लेकिन खुदा ने अपनी कुदरत से उसको हामिला किया। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम को हम रूह अल्लाह कहते हैं। हे बीबी हे मरियम तेरे माँ बाप तो बहुत अच्छे थे यानी नेक थे, ये तूने क्या किया, उनको तो हुक्म था बोले नहीं। तो ईसा अलैहिस्सलाम 1 महीने के कहते हैं मेरा नाम ईसा है, मुझे खुदा ताला ने नबी बनाया है।
खुदा ने मुझे किताब दी है और मुझे हुक्म किया है कि मैं इबादत करो, उसके लिए हुक्म करो, तुमको कौन है, नमाज पढ़ो, ज़कात दो। एक महीने का बच्चा इस तरह बोलता है कि जैसे बड़ा बुजुर्ग बोल रहा है। लोग एक दूसरे को देखते हैं, हैरान होते हैं। मैंने आपको यह स्टोरी इसलिए सुनाई यह कहने के लिए कि जितने भी नबी हैं, सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, जो नबी हैं हकीकत में वो बचपन से ही, पैदाइश से ही नबी होते हैं। लेकिन अल्लाह जब हुक्म करता है, मौका आता है, तब कहता है कि अच्छा अभी तुम अपनी नबूवत जाहिर करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पैदाइश से ही नबी थे। अल्लाह ताला ने उनको कैसी कैसी बख्शिशें दी कि हजरत इमाम बाप ने उसको इतने अच्छे तरीके से कहते कि जिस दिन नबी मोहम्मद पैदा हुए, खुदा ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए। और आप 3 बरस की उम्र के थे, खेल रहे थे, 2 फरिश्तों ने आके हुजूर को लिटाया, हाथ फिरा तो सीना चीरा गया और अंदर से कुछ चीजें उन्होंने निकाल ली और जन्नत से कुछ चीजें लेके थाल में लेके आए थे, वो नबी के सीने में रख के हाथ फिराया, सीना फिर जुड़ गया। ये ऑपरेशन इलाही ऑपरेशन था। नबी कहते हैं इसके अलावा भी कुछ है, क्या है? हुजूर फरमाया आधी रात को उठो और आहिस्ता आहिस्ता अपने परवरदिगार को याद रखो। कुरान शरीफ की यही आयतें हैं, आधी रात को उठो और उसको याद करो। तमाम नबियों ने बैतुल ख्याल में काम किया है। हर नबी को नबूवत से पहले ये तजरीबा करने के लिए अल्लाह का हुक्म था कि हर नबी ने नबूवत जाहिर करने से पहले, किसी ने 30 दिन के रोजे रखे, किसी ने 40 दिन के रोजे रखे। खुद हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम भी गारे हिरा में बैठे थे, 30 दिन हो गए, हुजूर ने खाया नहीं, पिया नहीं, सोए नहीं, 30 दिन मुराकबे में बैठे थे। और जब 3री रात हुई, यानी 30वीं रात रमजान की 23वीं रात थी, और आपको फरिश्ते ने आके कुरान शरीफ शुरू करना फरमान अल्लाह का सुनाया, और ये वो रात है कि जिसको हम लैलतुल कद्र कहते हैं। लेकिन इसके पहले 30 रातें, 30 दिन नबी सोए नहीं, खाया भी नहीं, इबादत में रहे। अब ये जो तरीका है हमारे मुसलमान भाई भूल गए, शरीयत में पड़ गए और अपने मजहब को नहीं बल्कि अपनी हुकूमत को फैलाने में पड़ गए। गैर मुल्कों के ऊपर मुसलमानों ने हमले किए, मुल्कों को जीत लिया, तो इस्लाम की सल्तनत बड़ी हो गई 100 वर्ष के अंदर। अटलांटिक ओशन तक घोड़े पहुंच गए मुसलमानों के, स्पेन तक हुकूमत शुरू हो गई, लेकिन मजहब गिर गया, मजहब वीक हो गया, इस्लाम कमजोर हो गया। अगर हम कुरान पढ़ते हैं या हिस्ट्री देखते हैं तो हमको पता लगता है कि क्या हालत बनी, मुसलमान इबादत भूल गए। लेकिन नबी के बाद मुर्तजाली अलैहिस्सलाम से लगे हुए जो लोग थे, जैसे कि हम इस्माइली, उस जमाने में हमारा नाम इस्माइली नहीं था, हम शियान अली के तौर पर जाने जाते थे, मगर वो बहुत मुट्ठी भर थे, थोड़े से आदमी थे, बहुत नहीं थे, मेजोरिटी तो उस तरफ थी। लड़ाइयां क्यों की जाती थी? कि माल गनीमत मिले, गुलाम मिले, बांदियां मिले, बाकी हुकूमत को फैलाने का काम और कुछ ना था। थोड़े से आदमी थे, छोटा सा ग्रुप था कि जो मुर्तजाली के दामन में पड़े रहे और मुर्तजाली उनको बैतुल ख्याल सुनाते रहे, सिखाते रहे, तलकीन करते रहे। और अगर हम मुर्तजाली के कलम पढ़ते हैं तो उसके अंदर ऐसी बातें हैं कि हमारा कैरेक्टर, हमारे अमल, हमारे ख्यालात पाकीज़ा होते जाएं, क्योंकि वो आदमी जिसके ख्यालात नापाक है और उसके अमल भी नापाक हैं, खुदा ताला उसको अपना दीदार नहीं बख्शता। जिस दिल के अंदर बदियां बुराइयां फैली हुई हैं, उस दिल के अंदर हमको नूर मिलेगा? आपने हजरत इमाम को मानो ऐसा कभी,
मौला को बरस करो, शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि इधर आवे, आप में से कोई उठ कर कहे मौला मेरे घर पे आके चाय पानी पी और मानो के मौला कबूल भी कर ले, अब कैसे खुश हो जावे। लेकिन जब मौला आपके ड्राइंग रूम में पहुंचते हैं तो सोफा के ऊपर कपड़े पड़े हुए हैं, चीजें पड़ी हुई है, अरे कुर्सी खाली करो तो वो बैठे ना, दिल है वो कुर्सी है उसके बैठने की, इस दिल को खाली करो दुनिया से दूसरी चीजों से ताकि मौला इस पे आके बैठ सके। ये बैतुल ख्याल है, बैतुल ख्याल की इबादत खेल नहीं, बैतुल ख्याल की इबादत हमारी जिंदगी हमारे मजहब के अंदर मोस्ट सीरियस चीज है। ये वो चीज है कि जो जिंदगी भर रहती है, इसमें खेल नहीं, इसमें दुख बहुत है, इसलिए लोग इबादत नहीं कर सकते। इसमें कुर्बानियां बहुत हैं, जो कि सामने बख्शीशें भी बेहिसाब हैं। लकड़ी लोहे की कीमत जितनी होती है, हीरे मोती की कीमत वो नहीं होती कि जो लकड़ी लोहे की है। खुदा ताला के नूर की अगर हमको ख्वाहिश है तो उस नूर की दर्जे की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, और वो दुख है। खुदा के नूर को पाने के लिए दुख उठाने की ताकत होनी चाहिए। सबसे पहला और बड़ा दुख ये है कि सुबह उठो 4 बजे, ए दीनदार हो, आप सब अपने दिल में जानते हो कितने उठते हो, आप सबके पास बोल है, आप सबके पास इमाम के फरमान सुने हुए याद भी हैं, आप सब ने इमाम के हुजूर में जाके प्रॉमिस देके बोल लिया है, आप बैतुल ख्याल के मेंबर हो, फिर उठते हो, बोल लेने की क्या जरूरत। मौला पूछते हैं किसने कहा तुम आके बोल मेरे से लो, तुम्हारे भाई ने, तुम्हारी बहन ने, किसी यार दोस्त ने, तुम नहीं कर सकोगे। ये मुश्किल चीज है, हार्ड चीज है, इसमें बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और पहली कुर्बानी तो ये है नींद की, जिसको रात भर नींद नहीं आती भला बिल्ला 4 बजे सो जाता है। शैतान का जोर उस वक्त बहुत होता है। अगर आप महज नींद को काबू कर लो तो आधी लड़ाई जीत गए, क्योंकि जो हमारा नफ्स है वो हमारे से ज्यादा ताकत वाला है। अगर हमने अपने नफ्स को जीत लिया तो बाजी हमारे हाथ में है। अल्लाह ने भी हमारे नफ्स के 3 दर्जे पत्र बयान किए हैं कुरान पाक में। एक तो ये है, हम जिसको नफ्स अम्मारा कहते हैं, खाना पीना मौज शौक, ये नफ्स अम्मारा है कि जो हमें दुनिया की तरफ ले जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीरियस हैं और अपने नफ्स को थोड़ा काबू कर लेते हैं तो फिर वो बदल के नफ्स लवामा बन जाता है, यानी उसके अंदर थोड़ी समझ आती है, नफ्स को काबू करने के तरीके आते हैं और कुछ नफ्स को टेम भी करता है। मगर जब वो इसमें पास हो जाता है तो अल्लाह कहता है फिर उस आदमी का जो नफ्स है वो मुतमईना बन जाता है। नफ्स मुतमईना, नफ्स मुतमईना वो है कि जिसको दुनिया की कोई तलब नहीं, जिसको दुनिया का कोई लालच नहीं है, आया तो खा लिया, नहीं आया तो उसको कोई गम नहीं। जैसे कि पिशमस ने गिना में कराया, आवे तो रोज मिल आए, यानी पास है कि अगर मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो रोजा हो गया। तो दिनदारों, ये जो हकीकतें हैं इनको हमें बहुत समझना चाहिए। बैतुल ख्याल इसकी झलक पाने का एक रास्ता है। क्या हम चाहते हैं कि मौला हमको अपनी इबादत में एक झलक दिखावे, एक झलक आंख ऊपर से नीचे आवे पलक, इसका भी शायद फ्रैक्शन होवे और ये काफी है, क्योंकि इससे ज्यादा हम उठाने के लायक नहीं। खुदा परवरदिगार बड़ा रहीम और हलीम है, यानी हलीम कहते हैं हमारी बदियों बुराइयों को बर्दाश्त कर लेता है, टॉलरेंट है, वो हमको हमारी ताकत से ज्यादा नहीं देता क्योंकि हम कमजोर हैं,
फिर भी जब वो अपनी रहमत करता है तो थोड़ी कुव्वत भी देता है और अपनी झलक दिखाता है। इस झलक को पाने के लिए इस्माइली मजहब इस्लाम से नंबर वन है। या नबी, आपने जो हमें शरीयत की बातें सुनाई, हमने उस पर अमल किया, इसके अलावा और कुछ है? तो नबी कहते हैं हाँ है, आधी रात को उठो, अल्लाह को याद करो। और फिर हुजूर उनको ये तरीका सिखाते थे, रात को 12 बजे से या आधी रात के करीब उठ के सुबह तक वो लोग खुदा ताला के ख्याल में पड़े रहते थे। इनमें एक गुलाम था, अफ्रीका का एक हबशी था, उसका नाम था बिलाल। गुलाम था, किसी यहूदी ने उसको खरीद लिया, और जब इस्लाम जाहिर हुआ तो हजरत बिलाल मुसलमान हो गए। मुसलमान हो गए और इस तरह इस सोसाइटी में कि जो तकरीबन 40 आदमी थे रसूलुल्लाह के हुजूर में आया जाया करते थे, बिलाल भी उसमें थे, तो अल्लाह के इस नबी ने हजरत बिलाल को खुदा का नाम सिखाया। वो क्या था? हु अल्लाहु अहद। बैतुल ख्याल का बोल रसूलुल्लाह बिलाल को देते हैं, हु अल्लाहु अहद। बिलाल गुलाम थे एक यहूदी के, और एक बहुत लंबा स्टोर की तरह का एक मकान था कि जिसमें उस मालिक के जितने भी गुलाम थे वो सब इसमें सोया करते थे जमीन पे। हजरत बिलाल आधी रात को उठे, सब गुलाम सोए हैं, खराचे मार रहे हैं, और हजरत बिलाल आहिस्ता आहिस्ता बैठ के आंखें बंद करके तो बोला करते थे हु अल्लाह अहद, अंदर बोलते थे जबान से नहीं, लेकिन कुछ अरसे के बाद जोश चढ़ जाता था तो फिर जोर से धुन लगाते थे हु अल्लाह अहद, हु अल्लाह अहद, हु अल्लाह अहद। अब वो बेख्याल हो गए, कॉन्शियस निकल गई, आपे से बाहर हो गए और जोर जोर से बोलने लग गए। इधर के उधर के वो पड़ोसी गुलाम जो सोए होते थे उठ खड़े होते थे, ए बिलाल, उसको हिलावे, वो हिलता नहीं था। कुछ अरसा तक ये बात चली। अब ये गुलाम दिन भर काम करते हैं, इनकी रात की नींद में खलल होने की वजह से ये शिकायत पहुंची मालिक के पास। यहूदी ने कहा हाँ तो तू मुसलमान हो गया है, उनको सजाएं दी। कैसी कैसी सजाएं दी किताबों में लिखा हुआ है, इसी में मौजूद है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, हजरत बिलाल के तमाम कपड़े निकाल दिए गए, बिल्कुल नंगा करके। आतिश बरसती थी सूरज से, गर्मी का मौसम, दोपहर का वक्त, नीचे गर्म रेत और अरबस्तान का मुलक। हजरत बिलाल को रखा गया और पेट के ऊपर एक पत्थर रखा गया कि जो उसको चार आदमी मुश्किल से उठा सकते थे। ये गुलाम दुबला पतला, हर दिन में एक वक्त खाना मिले और वो भी पेट भर के कभी न मिले। और बिलाल के पेट के ऊपर जब ये पत्थर, और इस गर्मी से पत्थर भी गर्म हो चुका था, पानी मांगा, है पानी नहीं मिलेगा, पानी मांगा, पानी नहीं मिला गया। यहां तक के जीव जीव जबान बाहर निकल आए, आंखें ऊपर चढ़ गई। ऐन उस मौका के ऊपर रसूल अकरम हजरत अबू बकर के साथ इधर से गुजर रहे थे, इस गुलाम की ये हालत देख के आप बेचैन हो गए। अबू बकर, मुझे थोड़ा सा कर्ज दे, ये खरीद दे, मैं इसके पैसे तुझे दूंगा। अबू बकर दौड़े और उसके मालिक को मिले कि मुझे ये गुलाम बेच दे। उसने कहा जान छूटी, थोड़ी कीमत लेके उसने हजरत बिलाल को छोड़ दिया। हजरत अबू बकर कहते हैं या नबी,
मैंने आपको ये मेहमानी की है, तोहफा देता हूं, मुझे इसकी कीमत नहीं चाहिए। रसूलुल्लाह ने बिलाल को घर ले आए। बिलाल मुसलमान हो चुका था, बैतुल ख्याल में आ चुका था, इबादत करता था। मौला के घर में आया, बहुत खुश हुआ, जिंदगी भर रसूलुल्लाह की खिदमत की। हजरत बिलाल का दर्जा नबी फरमाते हैं कि फरिश्तों से ऊंचा है। जिंदगी भर उन्होंने खिदमत की। तो ये बैतुल ख्याल जो हमारे पास है, हमने इसको खेल तमाशा मान लिया है। बच्चे है, बड़े हैं, 18-20 बरस के हो गए, हजरत इमाम इधर आवे, फौरन मुखी कमर यक्ष के बाद से हम जाके चिट्ठियां ले आते हैं, हजरत इमाम के पास जाके बोल देते हैं। एक जमाना था दीनदारों, मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का जमाना था, मैंने वो हालात देखे हैं, इमाम के हुजूर के अंदर वो हालात देखे हैं कि जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से सुल्तान मोहम्मद शाह दातार जमात के अंदर बोल देते थे और बोल के लिए फरमान किया करते थे। मौलाना अली शाह का जमाना जो था, उस वक्त जमात के अंदर बोल नहीं देते थे, 50 बरस की उम्र के ऊपर लोग जाके बोल लेते थे। और मौला के हुजूर में खसूसी तौर पर मौलाना अली शाह के पास जाके बोल की मांगनी करते थे तो पहले तो मना करते थे, बहुत सी अर्जे वगैरह जावे तब जाके उनको बोल मिलता था। जमाना बदल गया, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाने में इसकी उम्र 25 बरस हो गई, 25 बरस के बाद बोल ले लो। और जमाना खराब हो गया, हुजूर ने 21 बरस कर दिए। और जमाना खराब हो गया, हुजूर ने उस चीज को घटा के 18 बरस कर दिए। और 18 बरस बहुत बरस तक रहे। जब भी गोल्डन जुबली हुई 1936 के अंदर, तो इमाम की मेहरबानी और बढ़ गई, 16 बरस कर दिए, आओ 16 बरस के हो जाओ बोल ले लो। और सुल्तान मोहम्मद शाह कहा करते थे, आओ बोल ले लो, इबादत करो, आसान कर दिया, बोल ले लेते थे। 16 बरस रहे, अभी भी 16 बरस हैं, लेकिन फिर भी 18-20-25-30 बरस के लोग भी जाते हैं। वो ये जमाना था कि मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह हमको इस बात के लिए उश्केराया करते थे, एक्साइट किया करते थे कि आओ बोल ले लो। आज ये जमाना है कि हाजिर इमाम कहते हैं बोल लेना कोई जरूरी नहीं है, तुम्हारे ऊपर बैतुल ख्याल की इबादत करना फर्ज नहीं, दुआ पढ़ो, 10 बंदो जमात खाने आओ, क्योंकि हम लोग कमजोर हो गए हैं। जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है तो विटामिन काम नहीं आते, और हमारी बीमारी बहुत बढ़ गई है। हमारी बीमारी क्या है, जिस तरह कैंसर है, जिस तरह आस्मा है, जिस तरह से टीबी है, इस तरह से आज बीमारी है, मियां डॉलर बीमारी है। हमको डॉलर की बीमारी लगी हुई है, हमको मौत शौक की बीमारी लगी हुई है, ऐशाराम की बीमारी लगी हुई है। जिनको मौला प्यारा होता है उनको ये बीमारी नहीं लगती, वो इम्यून हो जाते हैं। मौलाना अली शाह कभी कभी जमात खाने बॉम्बे के दरखाने में आके बैठा करते थे, बगैर इत्तला के भी आ जाते थे, जमात में बैठ के खुद दुआ भी पढ़ाया करते थे। और ऐसा भी हुआ है कि जमात दुआ पढ़ रही है, अली शाह माँ बाप आ गए, कुर्सी हमेशा पड़ी रहती थी एक, तो आके कुर्सी पर नहीं बैठते थे, जमात के साथ दुआ पढ़ते थे। पीर का जमा था, जब भी दुआ पूरी हो जाती थी दुआ देते थे, खमला वजान कहते थे, फिर कुर्सी पर बैठ के फरमान करते थे। अली शाह माँ बाप के जमाने के अंदर बैतुल ख्याल बहुत छुपा हुआ था। वजीर इस्माइल गांगजी, 70 बरस की उम्र हो चुकी थी उसकी, शायद मुमकिन है 81 बरस भी हो गए, क्योंकि उसके थोड़े टाइम के बाद गुजर गए और अली शाह माँ बाप की इमामत में ही गुजर गए। वजीर इस्माइल गांगजी की इतनी बड़ी उम्र हो गई, बैतुल ख्याल नहीं था उसके पास, और अली शाह माँ बाप का बड़ा प्यारा था। एक दिन कहा
اسماعیل جی سرکار میں چاہتا ہوں میں تجھے بول دوں. بھاگ گیا. یاری دوستی بھی تھی نا اس طرح سے, کہتا نہیں سرکار مجھے نہیں چاہیے, سن تو صحیح لیکن چلے گئے. تھوڑا سا اور گزر گیا, ایک دن پھر بولا علی شاہ ماں باپ نے کہا اسماعیل جی سرکار میں تجھے بول دینا چاہتا ہوں. سرکار میں تیار نہیں ہوں, میری طاقت نہیں ہے. چلے گیا. اب آپ کھڑے تھے, جو ہی یہ اندر داخل ہوا علی شاہ ماں باپ نے دروازہ اندر سے بند کیا, تالا لگا کے چابی کھیسے میں ڈالی, کہنے لگے اسماعیل اب تو کہاں بھاگ سکے گا, میں تجھے بول دیتا. ارے زبردستی بول دیا, وہ بول دینے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن آم پک چکا تھا. وزیر اسماعیل کی خدمت اور اس کی روحانی جو طاقت تھی وہ ایسی تھی کہ پکا ہوا آم ہے, اب اس کو توڑ لینا چاہیے. وہ تیار ہو چکا تھا اور اس کو اس بات کا احساس نہیں تھا کیونکہ بول نہیں تھا. بول ہم کو سمجھ دیتا ہے, بول سے انٹیلیجنس بڑھتی ہے, بول سے چھپی ہی باتوں کا پتہ لگتا ہے. کل کیا ہونے والا ہے بول اس کو اس بات کا اندازہ دیتا ہے. اسماعیل وزیر کو زبردستی بول دیا اور اس کے بعد وہ ایسا اس میں غلطان ہو گیا کہ ڈیڑھ دو برس کے بعد تو گزر گیا اور علی شاہ ماں باپ نے اس کو پیر کا درجہ دیا اور فرمایا کہ وزیر اسماعیل 10,000 آدمیوں کو تار گیا. یہ جو بیت الخیال ہے یہ نبیوں کی بات ہے, یہ پیروں پیغمبروں کی چیز ہے جو ہم کو امام نے دے دیا ہے اور ہم اس سے کھیل رہے ہیں اس طرح کہ جس طرح سے ہم ماربلز کھیلتے ہیں. ہم بیت الخیال کے لائق نہیں ہیں مومنوں, ہم کو تو دے دیا یا مہربانی کر دی کہ ہم کو بیت الخیال دے دیا. کم از کم بیت الخیال کا جو لفظ ہے, بیت الخیال کا جو بول ہے, ساری زندگی کبھی بھول گئے تو موت کے وقت بھی کام تو آئے گا. اس کی برکت سے موت کے وقت بہت سی چیزیں بخشی جائیں گی. موت کے وقت یہ بول ہم کو چھڑائے گا, مگر زندگی بھر ہم نے بیت الخیال کے اوپر عمل نہیں کیا, اس کی مار بہت پڑے گی. کیا مار پڑے گی؟ کہ ہم کو جو ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا. جو نور کی شناخت ہمارے دل میں پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی, اور موت کے بعد ہم کو اس بات کا احساس ہوگا, بڑے پچھتائیں گے کہ میرے پاس یہ چابی تو تھی, میں نے پیٹی کھولی نہیں کہ اندر سے میں خزانہ نکال سکوں. اٹھو, اٹھو اور ہوشیار بنو, اس بول کی قدر کرو. 4 دن کی نہیں مگر 2 دن کی زندگی ہے. کیا ہے؟ موت شوق میں پڑ گئے, خراب نہیں ہے. سلطان نے فرمایا کہ لیجیٹیمیٹ پلیئر کوئی بات نہیں, اچھا ہے جا لیجیٹیمیٹ. جماعت خانہ چھوڑ کے ہم دوسری جگہ بیٹھے ہوتے ہیں, جماعت خانہ چھوڑ کے ہم پکنک پہ بیٹھے ہوتے ہیں, جماعت خانہ چھوڑ کے اپنی مذہبی ڈیوٹیاں چھوڑ کے دنیا کی باتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ بیت الخیال والوں کے لیے تو خاص طور پہ اور ہے, دل میں پردے آ جاتے ہیں. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں سمجھنے کے لیے, ریپیٹ کرتا ہوں. روم کے اندر ایک ٹیبل لیمپ جل رہی ہے, آپ نے ایک کالا کپڑا لے کے اس کے اوپر ڈال دیا تو روشنی گھٹ گئی, دوسرا کپڑا ڈالا تو روشنی گھٹ گئی, تیسرا کپڑا ڈالا, یہاں تک کہ کپڑے ڈالتے جاؤ ایسا ہو جائے گا کہ اندھیرا ہو جائے گا, حالانکہ روشنی اندر ہے. یہ کالا کپڑا ہمارے گناہ ہے. ہمارے جی اندر جو خدا نے نور برکھا ہوا ہے, جو روح ہے وہ اللہ کا نور ہے, اس کے اوپر گناہ کر کے ہم نے ایک کور کر دیا. اور روز گناہ کرتے ہیں, بہت کرتے ہیں, یہاں تک کہ ہمارے گھٹ کے اندر اندھیرا ہو گیا حالانکہ بتی اندر جل رہی ہے. اگر ہم سمجھ جائیں اور عبادت بندگی کر کے, نیکیاں کر کے, گناہوں سے بچ کے ایک ایک کپڑا اتارتے جائیں تو روشنی بڑھتی جائے گی. روشنی تو اندر ہے مگر دنیا کی محبت نے اور ہماری بدیوں نے, برائیوں نے, ہمارے بد خیالوں نے,
हमारी इस रोशनी को कवर कर दिया है काले कपड़ों से, अंदर अंधेरा हो गया है, उठो इस बत्ती को, जली तो है इसको जाहिर करो। मौला आपको दीन और दुनिया में सुखी आबाद करे, नेक उम्मीदें पूरी करे, बदियों से गुनाहों से बचावे, शैतान के फरेब से बचने की ताकत देवे। मौला अपनी फरमान बरदारी में रखे, मौला दसों सुकरीत में पूरा रखे, मौला अपनी मोहब्बत में सरशार रखे, मौला हमको रूहानी बख्शिशें देवे, बरकतें देवे, नियामतें देवे, दीन और दुनिया में हमको ऐसा बनाए कि हम पे राजी हुए, सुखी आबाद रहो। I don't know.